नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से जनता की सीधी बातचीत आप तक दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? कविता। कविता जी, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? मैं 2012 से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। कितना विश्वास है आपको? समझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। इतना विश्वास हूँ, क्या किया है संत जी ने आपकी ज़िंदगी में? बहुत कुछ किया है, उनके लिए तो बोलो भी कम ना, वो बहुत कम है, पर उन्होंने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा। समाज में 3-4 साल से संत जी आप सबके बीच में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे ना होने से? बहुत बुरा, क्योंकि हमारी मतलब संगत को ना कई लोग तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। एक तो वो तोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमारी संगत है ना वो भी बहुत गलत है कि वो क्यों टूट रही है, क्योंकि हमारे संत तो ठीक हैं, वो तो सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बताया उन्होंने, सारा कुछ सच बोला है। समाज को संत जी की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ही सुधार रहे हैं सारी समाज को, उन्होंने सुधारा, आगे भी सुधारना है उनको, उनको तो बस जल्दी से जल्दी आ जाए बस पिताजी बस। बेटियों को लेके क्या किया संत जी? बेटियों को तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी, मतलब बेटियाँ इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। संत जी का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत हंसमुख भी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मीडिया में संत जी को लेकर बहुत सी बातें हैं, डेरा सच्चा सौदा को लेकर, उनको लेकर आपका क्या कहना है? मीडिया वाले को क्या है, मीडिया वाले तो ऐसे बोलते रहते हैं, जिनको विश्वास है उनको पता होना चाहिए ना अभी। हाँ, हमें तो अपने संत के ऊपर विश्वास है, होना भी चाहिए। और सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से क्या करना, वो तो सरकार तो बस ऐसे ही है, सरकार बस हमारे पिताजी आ जाए बस जल्दी से जल्दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता की लगातार यही मांग है सरकार से जल्द संत जी को इन समाज के बीच में भेजा जाए, समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संत जी की। देखते रहिए द फैक्ट, सच की बातें।